हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कांजी वड़ा। ये ज़्यादातर राजस्थान और यूपी में बनाई जाती है। ये यहाँ का स्ट्रीट फूड भी है। इसको हम स्पेशली गर्मियों में बनाते हैं क्योंकि ये ठंडी होती है और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसीलिए इसको त्योहारों के समय जैसे होली दीपावली पर भी काफ़ी बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम कांजी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कुछ मसालों की ज़रूरत होगी जो कि घर पर ही आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले हम राई लेंगे। ये राई सरसों से साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है और इसका कलर भी रेड होता है। मैंने इसको पीस लिया है, थोड़ा सा मैंने इसे दरदरा ही रखा है। ये देखिए, आप चाहें तो इसे फाइन भी पीस सकते हैं। ये हम डालेंगे 4 टेबल स्पून। इसका टेस्ट कांजी में बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक। ये भी आप ज़रूर डालें, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और अब डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी जो कि हमने गर्म किया था। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे डाल देंगे और फिर सब चीजों को एक चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इस पानी को कांच के जार में डाल देंगे। ये मैंने कांच के कंटेनर ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब हम कांजी को इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें कांजी को डाल लिया है। अब इनका ढक्कन अच्छे से बंद करके हम इन्हें 3 से 4 दिन धूप में रखेंगे। 3-4 दिन में ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और रोज दिन में इसे 2-3 बार चम्मच से भी चलाते रहें। कांजी के लिए वड़े हम 4 दिन बाद बनाएंगे। अब हम कांजी के लिए वड़े बनाएंगे तो हम उसके लिए दाल भिगो लेंगे। ये मैंने 1 कप धुली मूंग दाल ली है। इसको हम 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। फिर इसमें पानी डालकर इसको 6-7 घंटे के लिए भिगा देंगे। ये देखिए, हमारी दाल कितने अच्छे से भीग गई है। अब ये पानी हम फेंक देंगे और एक बार फिर से इसे धो लेंगे। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में बिना पानी डाले पीसेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। साथ ही 1.5 इंच अदरक को भी काट कर डालेंगे। इनको इसमें डालने से वड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और ये है 1 टीस्पून जीरा। अब आप इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, दाल हमने पीस ली है। ये ना बहुत ज़्यादा फाइन पीसती है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरी। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमें दाल को फेंटना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं या फिर इस तरह से हैंड विस्कर से भी। इसे हमको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इसको फेंटने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, आपको दाल का कलर देखकर ही समझ आ रहा होगा कि हमने दाल को कितने अच्छे से फेंट लिया है। अब ये पहले से लाइट कलर की हो गई है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही लाइट हो गया है। हमारी दाल अच्छे से फिटी है या नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा दाल का मिक्सचर डाल दें।
अगर वो ऊपर तैरती है तो इसका मतलब है कि दाल हमने अच्छे से फेंट ली है। अब हम वड़ों के लिए पानी बना लेते हैं। इसके लिए हम हल्का गर्म पानी लेंगे जिसमें कि वड़े अच्छे से डूब जाएं। फिर उसमें हाफ टी स्पून हींग डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक, फिर इनको मिला लेंगे। अभी हम इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम वड़ों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेंगे। तेल हम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे और फिर इसमें एक एक करके वड़े डाल देंगे। जब सारे वड़े इसमें डाल दें तब गैस की फ्लेम मीडियम कर दें। अब इनको धीरे धीरे अलट पलट करके गोल्डन होने तक अच्छे से सेक लें। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। वड़ों को फ्राई करके सीधे पानी में डाल देंगे जो कि हमने तैयार किया था। ऐसा करने से हमारे वड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। इस पानी में हमें ये 15 से 20 मिनट रखने हैं। देखिए हमारे वड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं। इसमें डालने के दो फायदे होते हैं। एक तो वड़े बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनते हैं, दूसरा इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी पानी में आ जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से हम हल्के हाथों से दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इसको दूसरे बोल में रख देंगे। ये देखिए कांजी के लिए हमारे वड़े रेडी हो गए हैं। 4 दिन हो गए हैं, अब हम कांजी चेक कर लेते हैं। इसको एक बार अच्छे से चम्मच से चला लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गई है। अब हम इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। और इसमें सारे वड़े डाल देंगे। साथ ही थोड़ी सी बूंदी और एक रिफ्रेशिंग फ्लेवर के लिए थोड़े से पुदीने की पत्तियों को हम हाथ से तोड़कर इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम कोयले का एक टुकड़ा लेंगे और इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर उसको एक कटोरी में रख लेंगे। अब इसको धीरे से इस कांजी के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर इसको जल्दी से कवर कर देंगे। और फिर 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा देंगे और अब कोयले वाली कटोरी को इसमें से निकाल लेंगे। अब इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसको सर्व करेंगे। मैं इसको स्ट्रीट स्टाइल में सर्व कर रही हूँ। वहाँ पर इसको ऐसे ही डिस्पोजेबल ग्लासेस में सर्व किया जाता है। घर पर आप इसको कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस होली पर आप ये कांजी वड़ा ज़रूर बनाएं और कमेंट करके हमको बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।